हाँ तो विद्यार्थियों नमस्कार, अभी मैं आपको प्लस टू क्लास का चैप्टर मैट्रिक्स, जो कि कल मैंने इसका बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था, अभी मैं इसकी मल्टीप्लाई करने सिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो न्यू मैट्रिक्स आती है ना, वो हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का एम और सेकेंड का एन के इक्वल आती है, 3x3 ऑर्डर की। और मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है, फर्स्ट का एन सेकेंड के एम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कल ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी दी थी, अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करने सिखा रहा हूँ। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 1 2 प्लस 5 2 10 प्लस 8 3 24, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं तो 8 प्लस 25 प्लस 48, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 2 14 प्लस ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 8 2 16, फिर हम कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 प्लस 6 2 12 प्लस 27, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 4 3 12 प्लस 6 5 30 प्लस 9 6 54, फिर हम सेकंड रो लास्ट कॉलम तो 21 प्लस 48 प्लस 18 हो जाएगा। फिर हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 4 1 4 प्लस 7 2 14 प्लस 2 3 6, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 4 16 प्लस 7 5 35 प्लस 6 2 12, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर 28 प्लस 56 प्लस 2 2 4, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे आप और ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद मान लीजिए मैट्रिक्स दे दी आपको 1 2 3 4 5 6, ये है, तो इसका आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ट्रांसपोज हमेशा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस मल्टीप्लाई की आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही।